नमस्कार, स्वागत है आपका आईबैक्स स्टडी पॉइंट के खास प्रोग्राम करंट न्यूज एनालिसिस में, जहां पर हम और आप करंट मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज एनालिसिस। करंट न्यूज एनालिसिस में आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है जीनोम एडिटिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित। तो हम जानते हैं कि जीनोम एडिटिंग है क्या और इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, जीनोम एडिटिंग पहला शब्द है कि जीनोम एडिटिंग, तो यह साइंस से संबंधित, मेडिकल से संबंधित है। तो जीन एडिटिंग जिसे कहा जाता है, जीन क्या होता है, लोगों के अंदर जो डीएनए होते हैं उनको जीन कहते हैं। तो जीन की एडिटिंग करना, जैसे कंप्यूटर में आप कहते हैं किसी चीज़ की एडिटिंग करना, वैसे ही साइंस में जीन की एडिटिंग करने को हम कहते हैं जीनोम एडिटिंग। ठीक है, तो जीन एडिटिंग जो है वह प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। ये प्रौद्योगिकियाँ जीनोम में विशेष स्थानों पर अनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक होती हैं। तो इनकी सहायता से जीन को क्या किया जाता है, कुछ एडिटिंग की जाती है, कुछ बदलाव किए जाते हैं, उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो और कुछ बदला जा सकता है। तो इन सब की सहायता से किया जाता है। इसके आगे क्या है, जीन एडिटिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके अनुवांशिक गठन में फेर बदल करने में किया जा सकता है। अब इसको किसकी सहायता से किया जा सकता है, जीन एडिटिंग जैसे करना है तो किसकी सहायता से, तो यह है CRISPR-Cas9। यह एक टेक्निक है जिसकी सहायता से जीन में परिवर्तन किया जाता है। तो CRISPR-Cas9 तकनीक की खोज वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी। यह तकनीक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि किसी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। CRISPR तकनीक के माध्यम से संपूर्ण अनुवांशिक कोड में से लक्षित हिस्सों यानी कोई विशिष्ट हिस्से जो होते हैं या विशेष स्थान पर जो डीएनए होते हैं उनकी एडिटिंग की जा सकती है, यानी कि उनको एडिट किया जाता है, काट करके या बढ़ा करके कुछ भी चेंज करने की कोशिश की जाती है डीएनए में। CRISPR-Cas9 तकनीक अनुवांशिक सूचना धारण करने वाले डीएनए के सिरा या कुंडलित धागे को हटाने या चिपकाने की क्रिया विधि की भांति कार्य करता है, जिसमें अनुवांशिक धागे होते हैं यानी कि जो जीन में पहले से हमारे जो माता पिता होते हैं उनके जो जीन होते हैं उन्हीं पर हम कुछ हटाने या चिपकाने का कार्य करते हैं, यानी कट पेस्ट की तरह, क्रिया विधि की तरह काम करता है। इसके अलावा CRISPR-Cas9 में डीएनए सिरा के, जो डीएनए का सिरा है उसके सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर, मतलब उस स्थान पर जहां पर अनुवांशिक कोड को बदलने या एडिट करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है कि कहां पर हमें एडिट करना है। इसके पश्चात Cas9 के प्रयोग से, जो Cas9 है इसको कैची कहते हैं एक तरह से, तो कैची की तरह यह कार्य करता है, उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है। इसके बाद डीएनए जो है सिरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण या मरम्मत की प्रवृत्ति होती है। डीएनए के जिस सिरे को काटा जाता है या हटाया जाता है उसमें पुनर्निर्माण की भी क्या होती है, मरम्मत की प्रवृत्ति होती है, यानी कहने का मतलब फिर से वह ऑटोमेटिक जनरेट भी हो जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और अनुवांशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है जो अंततः टूटे हुए डीएनए सिरे पर स्थापित हो जाता है। इस तरह से वहाँ पर जब चेंज करते हैं तो इस तरह से डीएनए में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह पूरा प्रोसेस होता है एक डीएनए को चेंज करने का, एडिटिंग करने का। तो हमारा क्वेश्चन क्या था आज का,
कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह कहां पर है? पंजाब राज्य में। यह आज का उत्तर है कहने का कि पंजाब राज्य में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है जिसको नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहा गया है, और उसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मोहाली, पंजाब में। तो ये था आज का विशेष क्वेश्चन, और अब आते हैं करंट अफेयर से संबंधित वन लाइनर के फॉर्म में जो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इनको पढ़ लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। दूसरा है, कौन सा देश अगले सप्ताह वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? तो यह है भारत। भारत अगले सप्ताह 12-13 जनवरी को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने वाला है, और यहाँ पर 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? चूँकि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है, तो यह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर किया गया है जहाँ पर बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो सुनील बाबू कौन थे? यह फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो SS राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और ये हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज है करंट न्यूज एनालिसिस, तो इसको देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।